पानी पीने के लिए भी जा रहे थे, चक्कर आ रहे थे, तो मुझे तो लगा अब आँख सीधा हॉस्पिटल में खुलेगी। बहुत अजीब अजीब थॉट्स आ रहे थे कि अगर बेहोश हो गया तो क्या लेके आया था। ये पूरे मार्केट में कुछ नहीं मिला, सब होलसेल में मिल रहा था, तो ये चले आया। ये लास्ट में कुछ मैंने ठंड। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:30 और मॉर्निंग में उठना पड़ा था, 8 बजे भी नीचे आ गया था क्योंकि गैस लेके आना है और जो कि 2 दिन से पेंडिंग था। पापा कह रहे थे मैं नहीं टूट रहा था, जा नहीं पा रहा था, तो अभी चलते हैं गैस लेके आते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर है, मेन रोड पर उस साइड खोरा से बाहर। सो चलते हैं और गैस लेके आते हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई, उससे जैकेट डाल दिया और फीवर तो कल के बाद दोबारा आया नहीं। तो वही सिलेंडर ले लिया, वापस चलते हैं घर। इसलिए मैं स्कूटी लेके आता हूँ, बाइक पे कंफर्टेबल नहीं होता ले जाने में। सो वापस चलते हैं घर। घर यहाँ से अप्रॉक्स 10 मिनट की दूरी पे है। ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में हमारे पास एग ऑमलेट, तो थोड़ी भाई एक पीस ले खा रहा हूँ। सो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं सीन है। ऑयल ले रहा हूँ, मसाला मम्मी दे दिया। वही लग रहा है कि बुखार फिर से आने वाला है। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:30 और अभी मैं ब्रेकफास्ट अभी खाना खा रहा हूँ, मतलब मॉर्निंग में खाया था एक ऑमलेट, उसके बाद कुछ खाया नहीं था तो अभी खा रहा हूँ। भूख नहीं है लेकिन फिर भी खा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कमजोरी सी लग रही है। और मम्मी और गोलू बुआ के साथ जा रखी है गांधीनगर, मैं घर पर अकेले हूँ। सो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ी देर सोऊंगा मैं क्योंकि यार तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, फीवर फिर से आ चुका है, पता नहीं क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। सो इसलिए मैं खा रहा हूँ, खाने का बिल्कुल मन नहीं था लेकिन ज़बरदस्ती खा रहा हूँ ताकि कमजोरी ना आए। सो खाते हैं पहले। सो गाइस फाइनली अभी सही लग रहा है जाके, आपको बता नहीं सकता क्या हुआ अभी, मतलब जब मैंने खाना खाया था उसके बाद फ़ोन साइड में रख दिया और फिर लेट गया तो एकदम से ना पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, बहुत ही भयंकर पेट में दर्द हो रहा था, सर में दर्द, पेट में दर्द, पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, यहाँ तक कि बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा था, हाथ भी नहीं उठाया जा रहा था। और घर में कोई था नहीं, पापा तो ऑफिस चले गए थे और मैं ही, पापा मम्मी और गोलू बताया था आपको, बुआ के साथ गए हैं गांधीनगर शॉपिंग के लिए। सो और कोई दोस्त वगैरह भी नहीं है यहाँ पे पास में, एक है सब, तो वो भी ऑफिस में था। मैंने सोचा लास्ट में जब कंट्रोल से बाहर हो गया, मैंने सोचा अब उसको कॉल करता हूँ, ऑफिस से आएगा वो फिर लेके जाएगा मुझे कैलाश, क्योंकि और गोलू वगैरह तो इतने जल्दी आ नहीं पाते और अकेले हिम्मत नहीं थी खड़े होने की भी। मैं अगर पानी पीने के लिए भी जा रहा था, चक्कर आ रहे थे, तो मुझे तो लगा अब आँख सीधा हॉस्पिटल में ही खुलेगी। बहुत अजीब अजीब थॉट्स आ रहे थे कि अगर बेहोश हो गया तो कैसे गेट खोलेंगे सीधा हॉस्पिटल, मतलब नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा। ये मान के चलो कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया मैंने, अब बहुत ही ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ, मतलब फिर तो मतलब पेन होते होते ही पता भी नहीं लगा कब नींद आ गई और सीधा अभी नींद खुली। अभी टाइम हो रहा 5:15 और अभी भी मेरी मम्मी वगैरह नहीं आई है, सो वेट करते हैं उनका बात है। वैसे अब तो सही है, देखते हैं अब वो आते हैं। पसीना आ गया तो फीवर उतर चुका है, इतना टाइम लगता है जाने में। हमें बताया कितना परेशान हो गए थे, क्या लेके आए थे। ये पूरे मार्केट में कुछ नहीं मिला, सब होलसेल में मिल रहा था, तो ये चले आया। ये लास्ट में कुछ मुझे ठंड में कुछ तो पहनना भी जाएंगे फिर सरोजनी पाली का। ये क्या ले आए तुम, अभी दिखाता हूँ, ये भी बहुत कॉस्टली पड़ गया मुझे, इतना टाइम लगा। साइज तो अलग अलग होगा ना, मुझे हमें आ जाएगा देखो भी ये देखो ऐसा है, अरे दिखाने को दो एक यार। अच्छा कैसा है, सही है, रिव्यू नहीं है पता है। मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्लैक, ब्लैक मेरा है, मैंने भाई इन्होंने बोला ब्लैक है हमारे पे। तो गाइस मैंने अपने दो दुबका लिए जो ब्लैक और ये, आई थिंक
कुछ इस तरह की लेके आए जैकेट टाइप का। मम्मी का है। मेरा वाला कैसा करना है? सेम का येलो। भाई सही है, सॉफ्ट है। तो क्या? बहुत अस्टंडर ना बीच। वो इसमें देखना ही पीले वाला। वो ब्लैक लेना चाह रहा है। जैसे ना हीरो है। हीरो, 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 हीरो। कैसा मुझे हम हीरो लग रहे हैं? इधर दिखो। अच्छा भाई। हीरो, हीरो। ये ही डालो। हीरो, हीरो। कैसे हो? हेलो हेलो। सामने आते हैं। ये क्या कर दिया? इधर से आप निकालेंगे? ये भी लिया हमने। पापा गुस्सा करने में लगेंगे मेरे लिए क्यों ले लिया। बोले बिन मतलब को उठा के लाने का मतलब बेमतलब में उठा के ले आए। पापा कुछ खरीदने ही नहीं चाहते। एक जैकेट तो होना चाहिए। नहीं पापा अपने लिए कुछ नहीं खरीदते कभी। कोई भी 400 लो मम्मी की एक बात है, मम्मी कभी नहीं कहती बेकार लग रहा है कुछ। अच्छा शाम के टाइम में अमरूद मत खा। ये तो दो आपको छोटा चाहिए था ना। लो बने मना किया हम लोग खाने, लेकिन पूरा चुपके चुपके खा रही है। अरे शाम में नहीं खाने जाए, पापा को बताया था। गोलू 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 बोला है केशव नहीं जाओ। पापा को दिखा के ऐसे कौन टेस्ट करता है काट के नमक मिर्ची लगा के कि सड़ा हुआ तो नहीं है। 15 सेकंड ठीक है तो 17 सेकंड में चल लटका नहीं लटका 17 सेकंड उससे मैंने भी लटका था। हाँ गोलू उठ गले है ऐसे ही फर्क पड़ता है। मैं 20 सेकंड में आउट हो गया। 56 एक मिनट हो गया। हम दर्द ना है ये। कौन वो शेरी? कभी आपकी बिगड़ी हुई है। बचपन में हम साथ में ही पढ़ा करते थे। उधर दीवार काट लो। तभी से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आज वाओ। तो गाइस अब खाना खाना स्टार्ट करते हैं। हम बस सही हूं। ऐसे नीचे बैठ के खाना खाना सही है। हम खाना खाते हैं दाल चावल और आलू की भुजिया, आलू और गोभी। सो गाइस खाना खा लिया है, अब दवाई खाते हैं। इतनी दवाई एक बार में खा रहा हूँ। तो गाइस दवाई खा लिया, अब चलते हैं ऊपर। ऊपर जाके दिखाता हूं सीन। सो गाइस ऊपर आ चुका हूँ, खाना वाना खा लिया था और दवाई भी खा ली है और ऊपर आ गया हूँ। अब करता हूँ वीडियो एडिट। वीडियो एडिट करते हैं और इस वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड। मिलता हूँ कल आपसे एक और बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। हाँ गाइस कुछ दिखा नहीं पा रहा अभी, इन दो दिनों में घर में ही था।
कल देखते हैं, अगर ठीक होते तो कल पक्का बाहर का कोई व्लॉग आएगा, कोई अच्छा सा व्लॉग आएगा, तो कल का व्लॉग देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।